अच्छा भाई, आज हम लोगों ने करना है सिक्योरिटी का चैप्टर। अच्छा, पहली बता रहा हूँ, जो सीरियस होके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ी ठंडी हो गई है क्लास, लेकिन बर्दाश्त कर लो क्योंकि कॉन्सेप्ट जो वो आप लोगों के याद रहेगा इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। सही है जी। तो आज हम एक कपल का इंतखाब करेंगे और हमारे जो आज के लिए कपल हैं इस सिक्योरिटी क्लास के लिए वो हैं फर्रुख साहब और फरजाद साहब। सही जी। हाँ फरजाद, आपको आपको कैसे हो सकते ये? नहीं, तो लड़के लड़के में क्या मसला है, क्या हो गया? हेलो, नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा। चलो भाई वापस। सब सिक्योरिटी, लेट्स सी। चलो पहले थोड़ी बेसिक के ऊपर बात करेंगे, फिर मैं जब वापस आएंगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मुझे तुम लोगों को करानी है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या चीज़ होती है, थोड़ा बहुत लिखते हैं इसके बारे में। अच्छा, जो जो लिख रहा है वो साथ साथ लिखता है मेरे साथ, टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। इट ऑल्टर्स डेटा into a form that is unreadable, that is unreadable by anybody। PDF से याद करना, PDF से याद करना, लिखना लिख लो, बट दैट्स टोटली अप टू यू। बाय एनीबडी फॉर होम द डेटा इज नॉट स्क्रीन शेयर हो रही है सबको। Is not intended। फिर आई गेस इट्स योर प्रॉब्लम फॉर होम द डेटा इज नॉट इंटेंडेड। स्कैम्बलिंग नहीं कह सकते अभी, रुक जाओ। सब 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 पढ़ हम लोग शुरू से कर रहे हैं सब एक ही चीज। इट डज नॉट stops the data, it does not stops the data for being intercepted for being intercepted, but it stops by it stops it from making any sense to hacker I mean any sense to हैकर। चलो देखते हैं अब्दुल्ला। अच्छा, अब आप लोग की अगर पास पे की वर्डिंग की बात करूं, मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं आगे भी करवा दूंगा। इट्स बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टर्निंग, इसको आगे करवा दूंगा लेकिन अभी फिलहाल के लिए लिख लो क्योंकि डेफिनेशन है, तो एक साथ ही लिख लो। प्रोसेस ऑफ टर्निंग प्लेन टेक्स्ट into cipher text। चलो इंक्रिप्शन क्या चीज़ होती है मैं अभी फ़िलहाल नहीं समझा रहा, मैं ज़रा इसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को पहले ये प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग वापस आएंगे जब भी हमने कंटेंट पर लिखा है उस चीज़ को एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे।
ओके, इट डज नॉट स्टॉप्स द डाटा फॉर बीइंग इंटरसेप्टेड बट इट स्टॉप्स इट फ्रॉम मेकिंग सेंस एनी सेंस टू हैकर. सही है हरमेश. हाँ सही है, सही है, ठीक है. सो द लास्ट लाइन इज पासवर्ड डेफिनेशन. हाँ ये पासवर्ड की डेफिनेशन है फॉर द वर्ड इंक्रिप्शन, लेकिन मैं इसको नीचे लिखवा दूंगा, कोई मसला नहीं. चलो स्टॉप्स इट, सॉरी स्टॉप्स इट. सही है. अच्छा सबसे पहली चीज़ मुझे जो समझानी है वो, अभी मैं इनक्रिप्शन के ऊपर बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इन दो टर्म्स के ऊपर बात करूंगा, विच इज़ योर प्लेन टेक्स्ट एंड योर साइफर टेक्स्ट. सही है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इस चीज़ को देखना भी फिलहाल ज़रूरी है. इसको पहले देखते हैं, सारी चीज़ों पर टिक करते हैं जिसको याद करना है इस चैप्टर में. प्लीज़, हाँ मैं बता देता हूँ मसला नहीं. चलो अब एक ये छोटी सी चीज़ समझनी है, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक और क्लास लगेगी फिर आई गेस. चलो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं. प्लेन टेक्स्ट हम लोगों का ओरिजिनल डेटा कहलाता है. ओरिजिनल डेटा मतलब जो आपका, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं, अभी मैं एग्जाम्पल में भी तुम लोग को दिखा दूंगा यहाँ पे. ओरिजिनल डेटा जो होगा जिसको हम लोगों ने अभी स्क्रैम्बल नहीं किया है, उसे हम लोग कहेंगे प्लेन टेक्स्ट. और साइफर टेक्स्ट कौन सा कहलाता है, साइफर टेक्स्ट इज बेसिकली अ टेक्स्ट विच इज इनक्रिप्टेड. उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को अगर हम इनक्रिप्ट कर दें तो वो कौन सा टेक्स्ट बन जाता है, इट बेसिकली बिकम्स साइफर टेक्स्ट. अच्छा यहाँ पे ज़रा सस्ती सी मार्केटिंग भी हुई है, यहाँ पे देख लो एक दफ़ा. तो वी हैव अ ब्रांड, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है एक, पेपर्स डॉक के नाम से. अगर इसको हम लें एज इट इज़ लिखा हुआ है, दैट्स बेसिकली प्लेन टेक्स्ट. अब अगर मैं इसको कोई पर्टिकुलर अल्गोरिथम के अंदर डालता हूँ, जो भी इंक्रिप्शन अल्गोरिथम है, और वो लेटर्स को स्क्रैम्बल कर देता है, ये देखो यहाँ पे नीचे की साइड पे, वी बेसिकली जो आगे थे उनको पीछे, जो पीछे थे आगे, उनको एक तरीके से हमने सिर्फ स्क्रैम्बल कर दिया. सही है. अब ये जब स्क्रैम्बल हो चुका है तो ये कौन सा टेक्स्ट बन चुका है, इट बेसिकली बिकेम साइफर टेक्स्ट. अब इसको मैं कहूँगा साइफर टेक्स्ट. प्लेन टेक्स्ट था, नॉर्मल टेक्स्ट था, ओरिजिनल डेटा था, तो मैंने उसको कहा प्लेन टेक्स्ट. अब जब वो इनक्रिप्ट हो गया उसको अब मैं कहूँगा साइफर टेक्स्ट. अब अगर मुझे साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैं कहूँगा डिक्रिप्शन, और उसके लिए एक पर्टिकुलर की रिक्वायरमेंट होगी. सही है. और अगर मुझे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, दैट्स बेसिकली इनक्रिप्शन. सही है, उससे मैं इनक्रिप्शन कहूँगा. आसान अल्फाजों में सपोज करो मैंने पेपर्स डॉक जो था, एक पासवर्ड है मेरे कोई बैंक अकाउंट का. सही है, सपोज कर लेते हैं पेपर्स डॉक मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड है. अब ये पासवर्ड मैं भेज रहा हूँ, सपोज करते हैं पर्सन बी को, फरजाद साहब को भेज रहा हूँ मैं अपना पासवर्ड. सही है. और मैंने इसको स्क्रैम्बल कर दिया, और इसकी जो चाबी है, इसके जो की है, वो सिर्फ और सिर्फ फरजाद के पास मौजूद है. अगर कोई तीसरा बंदा आके इसको एक्सेस करेगा तो उसको ये डाटा दिखेगा. सही है, सिर्फ ये डाटा दिखेगा, मतलब वो डाटा को एक्सेस कर सकता है. फिर गौर से सुनो, वो डाटा को एक्सेस कर सकता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आएगा अनटिल और अनलेस उसके पास कोई की मौजूद ना हो. सही है. चलो ये हो गया डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन, बिल्कुल बेसिक्स. और अब हम लोगों ने बात करनी है अपनी इनक्रिप्शन के बारे में, कि इनक्रिप्शन जो होती है वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं. वी हैव इनक्रिप्शन ऑफ टू टाइप्स. और सबसे पहली है हमारे पास सिमेट्रिक, इनक्रिप्शन, एंड वी हैव एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन. चलो पहले ये अपने पास लिख लो सर, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की सेम है. इसमें बात करते हैं कीज़ के बारे में भी बात करते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सी इंक्रिप्शन आप यूज़ कर रहे हो. सही जी. इंक्रिप्शन को अब स्टडी करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को. वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है और हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है. अब्दुल्ला ये सब आगे की चीज़ें.
वो हम डिजिटल सिग्नेचर जब पढ़ेंगे तो उसमें एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे इसको। सही है, तो इंक्रिप्शन हमारे पास दो किस्म की है, वी हैव सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, वी हैव एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सही है, अब ज़रा थोड़ी बहुत यहाँ से क्लास जो है वो थोड़ा बहुत ठंडी होती जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रहेगा। सही है जी, वी हैव अवर फर्स्ट करेक्टर, लेट मी राइट दैट। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं सिमेट्रिक। हम लोग को डिजिटल सिग्नेचर में कर लेंगे, दो दो तफरी चीज़ें, दो मज़ेदार। सिमेट्रिक हम सबसे पहले समझ रहे हैं, सिमेट्रिक के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें हम लोग उसको सही करेंगे एसिमेट्रिक के अंदर। हाँ देखते हैं, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके जी, लेट्स हैव अवर फर्स्ट करेक्टर। बहुत खूबसूरती से हमने ड्राइंग की इनकी। ओह माय गॉड, पिकासो। एंड वी हैव अवर सेकंड करेक्टर। ओह खूबसूरती। चलो जी, ये हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, तो हमारे जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं वो हैं फारूक साहब। ना 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 फरजाद साहब, ऐसे कैसे? फारूक पूरा नाम क्या तुम्हारा? इट्स डबल आर, सॉरी, फारूक खान साहब। देन वी हैव अवर सेकेंड कैरेक्टर विच इज़ फरजाद बाजी। इस्लाम के दायरे में रहेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं। सही जी, हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, वी हैव फरुख खान साहब एंड वी हैव फरजाद बाजी। इन दोनों को हम लोगों ने स्टडी करना है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन सीखेंगे। सही है, तो अब थोड़ा बहुत यहाँ से हिजाब भी करवा दें। हिजाब वाला है नहीं वो। मैं बनाता हूँ फिर, अगले अगले साल के लिए तैयार करेंगे उसको। चलो आओ वापस आओ। चलो, वी हैव अ लेटर, और आप लोग की जबान में बोलें तो इट्स अ लव लेटर विच इज़ बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय फरुख साहब। डेयर फरजादी, आई लव यू। सही है जी, ओह माय गॉड, खूबसूरत। चलो जी, एक ही लेटर तैयार किया है किसने? फारूक साहब ने। अच्छा, कोई पापा बनने की किसी की ख्वाहिश है? एनीवन? उमर भाई अच्छे लगेंगे इसमें, इस रोल के लिए। लेट मी जस्ट कॉपी दैट। मुझे लग रहा है उमर उमर सही रहेगा इसके लिए। चलो पहले पूरा बना लूँ, फिर स्टडी करते हैं इसको। वी हैव वन पापा एज वेल। पापा को कहाँ बनाए यार, बस लिख देते हैं। चलो, ये है हमारे उमर भाई, उमर मीर। धर्मेश कम भी बनाते जी। थोड़ी बहुत और चीज़ें बनानी है। चलो जी, नहीं, है सिर्फ अब्बू भी काम है इसमें। चलो अब आओ, सबसे पहली चीज़ अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो अब सब फोकस करो यहाँ पे। सही है, अब हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, वी हैव फारूक साहब एंड वी हैव फरजाद बाजी। अब फारूक साहब को जो है वो एक तरीके से, एक उन्होंने लव लेटर तैयार किया है किसके लिए? फरजाद को देने के लिए। सही है,
अब सब चीज़ें हो गई, अब इसने क्या किया फरजाद ने, फ़ारूक साहब को पता है कि भाई बीच में हमारे पापा बैठे हैं विच इज़ उमर भाई। उमर भाई जो है उनके फ़ारूक साहब के एक तरीके से वालिद लगते हैं रिश्ते में, तो अब उनको पता है कि अगर ये चीज़ अगर पहुंच गई ना पापा के पास तो फालतू में लग जाएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ी हुई थी कंप्यूटर साइंस किसी सस्ते टीचर से, तो अब्दुल्ला यूजेस इनक्रिप्शन, इसलिए कहते हैं सीएस के टीचर अच्छा चूज़ किया करो, यूजेस इनक्रिप्शन एंड सिक्योर्ड इट विद, ओ सॉरी लेट मी चेंज इट, ये पुरानी क्लास का था यार, माय बैड, सॉरी सॉरी। फरुख यूजेस इंक्रिप्शन एंड सिक्योर्ड इट विद अ पब्लिक की, विद अ की कर देते हैं, विद अ की, सो पापा कैन नॉट सी द लव लेटर। चलो उमर मीर जो है हमारे पापा हैं, और फारूक साहब को पता है कि अगर ये चीज़ जो ये लेटर उन्होंने तैयार किया ये अगर पहुंच जाए अगर पापा के पास तो सबसे बड़ा मसला आ जाएगा। तो अब मसला क्या आ रहा है, ये भेजना तो है उनको किसको, फरजाद बाजी को। अब मसला क्या आया, फारूक साहब ने पढ़ी हुई थी किसी सस्ते टीचर से कंप्यूटर साइंस, उन्होंने इंक्रिप्शन तो इस्तेमाल की, इंक्रिप्शन इस्तेमाल कौन सी की, ही बेसिकली यूज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है अभी बात करेंगे उस पर। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बेसिकली ये इंक्रिप्शन कहलाती है जिसमें हम लोग की फॉर डिक्रिप्शन एंड की फॉर इंक्रिप्शन दे बोथ आर सेम। सही है, क्या मतलब हो? एक ही की से आप इंक्रिप्ट करते हो, जैसे आपके डोर लॉक्स होते हैं, जिससे आप डोर लॉक करते हो उसी से आप लोग डोर अनलॉक भी करते हो। तो फर्क आपको कुछ अभी पता नहीं था, उन्होंने बस सियाणे बने वो और पापा से छुपाने के लिए उन्होंने इंक्रिप्शन इस्तेमाल की। सिमेट्रिक मतलब एक ही की से उसको लॉक किया, लेटर को लॉक तो कर दिया, और लेटर को लॉक करने के बाद उन्होंने सेंड किया किसको, फरजाद बाजी को। फरजाद बाजी के पास जब पहुंच चुका है, चलो अब एक मसला आ रहा है, फरजाद बाजी के पास तो पहुंच गया, अब वो कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर, वो खुद समझ नहीं पा रही हैं उसको। FERVOYU, फरजाद बाजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उनके पास क्या चीज़ नहीं है, चैट पे जवाब जल्दी, फरजाद के पास क्या चीज़ नहीं है, बेहतरीन जवाब आ गया कि फरजाद के पास की नहीं है। सही है, फरजाद के पास एक मसला आ रहा है कि की नहीं है। अब मसला ये आ रहा है हमारा कि हम लोगों को की भेजनी पड़ेगी फरजाद बाजी को। सही है, उमर मीर भाई के पास जो है वो लेटर पहुंच चुका है, लेकिन वो भी उसको समझ पा नहीं रहे हैं। ये लेटर आपका उमर भाई के पास भी मतलब पापा जी के पास भी पहुंच चुका है, लेकिन पापा जो है वो समझ नहीं पा रहे। अब मोहम्मद ये तुम्हारा मसला है। सही है, फरजाद के पास पापा के। अब देखो हुआ क्या कि अब हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। हम लोगों ने ये लेटर तो भेज दिया, नाउ वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम विच इज नोन एज की डिस्ट्रीब्यूशन, की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, अब की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम क्या होती है कि अब ये लेटर उन्होंने तो भेज दिया फरजाद बाजी को, फरजाद बाजी के पास लेटर पहुंच चुका है, लेकिन एक मसला है कि उसके पास भी की मौजूद नहीं है। तो अब ये की जो है एक लिफाफे में डालेंगे, और वो लिफाफा एक तरीके से जा रहा होगा किसके पास, फरजाद बाजी के पास, और उसको बीच में बीच रास्ते में पापा जी खड़े हैं और वो पकड़ लेंगे, एंड ही विल रियली इजिली बी एबल टू अनलॉक इट, उसको रीड करेंगे और जो होगा वो फिर फरोख साहब के साथ होगा। सही है जी, तो अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ से, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। यस, तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बेसिकली ऐसी इंक्रिप्शन है जिसमें हम लोग एक की को इस्तेमाल करते हैं फॉर इंक्रिप्शन एज वेल एंड फॉर डिक्रिप्शन एज वेल। अब वो की हमें एक तरीके से जो रिसीवर एंड है उसको भी भेजनी है, उसके पास भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फरजाद बाजी के पास यहाँ पे हम लोगों के पास उनके पास की मौजूद नहीं थी, अब की भेजने के लिए फर्रुख भाई ने क्या किया, उस की को एक लिफाफे में डाला और लिफाफा भेज दिया फरजाद बाजी के पास। जब फरजाद बाजी के पास पहुंचा, लेकिन एक मसला और हो गया कि बीच रास्ते में उमर भाई बैठे थे, पापा जी थे, पापा जी ने उसको अनलॉक किया लेटर को, डिक्रिप्ट किया, रीड किया, और अब्दुल्ला जो फरुख साहब हैं उनके बैठे बिठाए लग गए। बात समझ आई, ये होता है सस्ते टीचर से पढ़ने का नतीजा।
अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और बेटा हंसी दिखाता मैंने तुम्हें, पढ़ कर रहो सही से। अच्छा जी, चलो अब आते हैं वापस, अब वापस आते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है सब चीज़ें देखते हैं। वी हैव समथिंग विच इज़ नोन एज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी, कि भाई हम लोगों को की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आ रही है, अब इस चीज़ को समझते हैं। वही हमारे सेम करेक्टर्स, वी हैव करेक्टर नंबर वन विच इज़ अवर फारूक साहब। लेट मी पेस्ट हिम ओवर हियर, समी करता हूँ मैं, एक मिनट बस दो मुझे, ये आ गए जी फारूक साहब हमारे। अब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ये अब इन्होंने रीटेक देने जा रहे हैं, और अब ये अच्छे टीचर से पढ़ कर आए हैं। और ये फरजाद बाजी, सही जी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक दफ़ा मैं फिर समझा रहा हूँ, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक दफ़ा फिर से देख लो। नहीं, जैन अभी देखो, अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो नहीं लगेंगे। सुनो गौर से, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या थी? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज़ बेसिकली एन इंक्रिप्शन मेथड जो कि आप लोगों की कीज़ जो हैं विच लाइक इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, दोनों के लिए एक ही की इस्तेमाल होती है, सही है। अब ये जो की थी जो आपके फर्रुख भाई ने इस्तेमाल की थी इंक्रिप्ट करने के लिए, वो की उनको भेजनी थी फरजाद बाजी को। जब फरजाद बाजी के पास जाएगी तो उसको वो अनलॉक कर पाएंगे। लेकिन जब की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हो रही होती है, तो जो हम लोग का हैकर होता है इस सिनेरियो में, हमारे पापा जी जो बैठे हुए हैं, वो उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो उसको वापस से डिक्रिप्ट करके रीड कर सकता है, सही है। ये है आपकी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। नाउ यू आर सपोज टू स्टडी ए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, वही सेम सिनेरियो विच इज़ फारूक खान और फारूक भाई जो हैं वो हमारे अपना मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं फरजाद बाजी से, और बीच में पापा जी बैठे हुए हैं, सही है। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर वी हैव सम कीज़, जो कि कीज़ के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि हैं आप लोगों की, लेट मी टेल यू, यस अब वो पेपर डॉक से पढ़ कर आए हैं। तो मुझे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में मतलब हैकर विल इजीली गेट द की, यस बिल्कुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कीज। चलो जी, बस एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर फर्क इतना सा है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि जिस की से आप इनक्रिप्ट करोगे ना, उस की से आप डिक्रिप्ट नहीं करोगे। अब समझते हैं इस चीज को। लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव दिस। चलो सब इन चार कीज के बारे में बात करते हैं। हर एक बंदे की, हर एक बंदे की, फॉर एग्जाम्पल वी हैव फारूक भाई ओवर हियर। अब हम लोगों को फारूक भाई के पास उनकी एक प्राइवेट की है और फारूक साहब की ही पब्लिक की भी है, सही है। हर एक बंदे की पब्लिक की भी होती है, प्राइवेट की भी होती है, सही है। अब फरजाद बाजी की बात करते हैं, फरजाद बाजी के पास भी सेम सिनेरियो, उनके पास प्राइवेट की भी मौजूद है और उनके पास पब्लिक की भी मौजूद है, सही है जी। ये दो चीज़ें हैं, फारूक साहब के पास प्राइवेट की है, पब्लिक की उनकी अपनी, फरजाद साहब के पास प्राइवेट की है और पब्लिक की उनकी अपनी। अब देखो, अब होगा क्या कि फारूक साहब जो हैं पब्लिक की जो है वो हर एक बंदे की कोई भी एक्सेस कर सकता है। इस चीज़ को आप गौर से सुनो, पब्लिक की जो है, सर एसिमेट्रिक में कीज डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल। अब सुनो, पब्लिक की के अंदर कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट की जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के पास ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल फारूक खान की जो प्राइवेट की है वो उसी के पास रहेगी, फरजाद बाजी की जो प्राइवेट की है वो उन्हीं के पास रहेगी, सही है जी। ये चीज़ दिमाग में रखना, लेकिन पब्लिक की कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या करेंगे? एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में ये होता है कि हम किसी और बंदे की पब्लिक की से, सपोज करो इसकी फरजाद बाजी की पब्लिक की से जो भी चीज़ मैं इनक्रिप्ट करूंगा, अब सब गौर से सुनना इस चीज को, जो भी चीज मैं फरजाद बाजी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करूंगा वो प्राइवेट की से ऑफ सेम पब्लिक की, इस पब्लिक की जो फरजाद बाजी की प्राइवेट की है उसी से डिक्रिप्ट हो सकता है। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब गौर से सुनो इस चीज को, जो भी चीज मैं पब्लिक की ऑफ फरजाद बाजी से जो भी चीज मैं इनक्रिप्ट करूंगा
दैट विल ओनली बी डिक्रिप्टेड बाय द प्राइवेट की ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, सेम पर्सन, सही है। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को अपने पुरानी सिनेरियो में लगाते हैं, वही सेम चीज़। तो आप फरुख साहब जो हैं उनको अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, लेकिन मोहब्बत का इजहार करने से पहले वो एक पब्लिक की, किसकी पब्लिक की, फरजाद बाजी की पब्लिक की उनसे एक्सेस करेंगे, ईजिली कर सकते हैं। अब ये क्या लिया है, अब ये प्राइवेट की मौजूद है, किस चीज़ की प्राइवेट की है, ये प्राइवेट की ऑफ फरजाद, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये है जी फरजाद बाजी की। उमर भी लिखवा देंगे, हाँ हाँ टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ये हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ पहला स्टेप किया विच इज की एक्सचेंज की है। फरुख भाई ने पब्लिक की ले ली फरजाद बाजी की, और अब फरजाद बाजी को पब्लिक की दे देते हैं ऑफ फरुख भाई, अभी फिलहाल भाई हैं ये, फरुख भाई की उन्होंने, लेट मी चेंज द कलर, ये है फरुख भाई की पब्लिक की। चलो जी, नहीं अभी फिलहाल है ना, अभी तक रेहान, अभी तक अभी इजहार नहीं हुआ ना मोहब्बत का। चलो फरजाद बाजी की एक तरीके से अभी तक क्या हुआ है, की एक्सचेंज हुई है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने की एक्सचेंज की है, पब्लिक की हम लोगों ने फरजाद की ले ली और पब्लिक की हमने फरुख की फरजाद को दे दी, सही है। अब करेंगे क्या हम लोग, अब वही सेम लेटर उठाते हैं अपना, यहाँ से वी हैव द सेम लेटर, वी हैव सेम लेटर ओवर हियर। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे बाय यूजिंग द पब्लिक की, ये जो की है ना इसकी बात कर रहा हूं मैं, पब्लिक की ऑफ फरजाद बाजी, अब हमने इसको इनक्रिप्ट किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, बाय यूजिंग द की ऑफ फरजाद, सही है, उसकी की को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने अब इस लेटर को किसने इनक्रिप्ट किया, फरुख साहब ने। अब ये लेटर इन्होंने भेज दिया किसको, फरुख बाजी के पास ये लेटर पहुंच चुका है, कॉपी पेस्ट। अब वो इसको फरजाद बाजी जो है वो इसको इजीली अनलॉक कर लेंगे, क्यों अनलॉक कर लेंगी, क्योंकि उनके पास प्राइवेट की मौजूद है, सही है। और जो बीच में उमर साहब अपना रिश्ते बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं वो इंतजार ही करते रह जाएंगे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक लेटर होगा एंड नथिंग एल्स, जिसको वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो इनक्रिप्टेड हुआ हुआ है। इसको लॉक कर देते हैं, उमर सिर्फ एक की का इंतजार करते रहेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि अब फरुख साहब फुल तैयारी के साथ आए और पेपर्स डॉक से पढ़ कर आए, सही है। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। अब जरा वापस आते हैं सिमेट्रिक पे और एक दफा ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एक दफा वापस से पूरा सिनेरियो फिर से, सही है। फरुख साहब थे और फरजाद बाजी थी, दो दो कैरेक्टर्स हम लोगों के पास, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक लेटर हम लोगों ने सेंड करना था फरजाद को। अब हुआ क्या, हमने उसको जब डिक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट किया फरुख ने, तो एक मसला ये किया कि उसने इस्तेमाल की सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, मतलब जिस की से ही इनक्रिप्ट कर रहा है उसी की से डिक्रिप्ट भी होगा वही लेटर। अब वो तो सेंड कर दिया फरजाद बाजी को, फरजाद बाजी का मैसेज आ रहा है भैया आपने क्या भेजा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सुनिए, सही है जी। अब उन्होंने क्या किया, फरुख साहब ने एक की जो है एनवेलप में पैक की, एनवेलप में पैक करने के बाद वो भी सेंड करना चाहिए। अब मसला क्या आ रहा है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर वी हैव अ बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। जब वो भेज रहे थे तो उनके जो पापा जी थे वो बैठे हुए थे उमर साहब, उमर साहब ने क्या किया उसको एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको रीड किया, डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करने के बाद उसको पढ़ा और एक तरीके से फरुख साहब के लग गए, सही है जी। और ये इश्क जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब जरा आते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। अब वो फरुख साहब पढ़कर आए हैं कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पीपल्स डॉट, अब वो पढ़कर आए हैं सही सारी चीज़ें। अब उन्होंने इस्तेमाल की एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है, वी हैव अ डिफरेंट की फॉर इंक्रिप्शन एंड अ डिफरेंट की फॉर डिक्रिप्शन। अब फरुख साहब ने इस्तेमाल की, पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, पब्लिक की एक्सचेंज की। पब्लिक की एक्सचेंज करने के बाद आप कोई भी किसी भी बंदे की पब्लिक की इजीली एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो प्राइवेट की होती है वो सिर्फ उसी बंदे की होती है। तो अब इस सिनेरियो में एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में की जब हम लोगों ने स्विच कर ली, तो अब फरुख साहब ने क्या किया, उसी सेम लेटर को उन्होंने इनक्रिप्ट किया बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ फरजाद। फरजाद की जब पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट किया, अब उसको सेंड कर दिया, अब यहाँ पे उनको एक की सेंड करने की ज़रूरत
नहीं है, अब की सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो की सेंड कर दी क्योंकि वो फरजाद के पास ऑलरेडी एक उसकी प्राइवेट की मौजूद है। इन पेयर्स काम करते हैं, इस चीज़ को याद रखना। सही है, प्राइवेट की पहुंचेगी नहीं, इस चीज़ को दिमाग में रखना। जब भी कीज़ होती हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में, वो हमेशा एक पेयर के तौर पे काम करती हैं। मतलब एक पब्लिक की होगी और उसी की प्राइवेट की होगी। जो पब्लिक की फजात की, जिस जो भी चीज़ फजात की पब्लिक की से इंक्रिप्ट होगा, वही चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की ऑफ फरजात से इंक्रिप्ट होगा। ये मतलब नहीं है कि फारूक साहब अपनी की से उसको डिक्रिप्ट करने बैठ जाएं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। सही है जी, सारी चीज़ें हो गई। सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने अपना लेटर जो है वो भेज दिया, और उसके बाद बाई यूजिंग द प्राइवेट की, अपनी फरजाद ने अपनी प्राइवेट की को इस्तेमाल करते हुए उसको डिक्रिप्ट किया। और डिक्रिप्ट करने के बाद उनका जो मोहब्बत का इजहार था उसको समझा, और समझने के बाद अगर रिप्लाई देना हो तो देंगे, वरना नहीं देंगे। अब वो उनका अपना मैटर है, उसमें नहीं पड़ेंगे हम लोग। अब मुझे ज़रा बताओ सर, वाई डेड फरजाद सेंड इस पब्लिक की, ताकि उससे हम लोग इनक्रिप्ट कर सकें और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो जाए, ताकि हमें की भेजने की ज़रूरत ही ना पड़े। फैजाद से पूछ के बता दूंगा मैं। सिमेट्रिक में क्या मसला है? सिमेट्रिक में ये मसला है कि हम लोगों को की डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। जिस की से आपने इनक्रिप्ट किया उसी की से डिक्रिप्ट होगा, तो वो की आपको भेजनी पड़ेगी फरजाद बाजी को, और जब भेजोगे तो हैक हो जाएगा। दोनों की पब्लिक की इजीली हैक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन पब्लिक की से कोई फायदा नहीं है। देखो एक एक और सिनेरियो समझाता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे फरजाद बाजे की पब्लिक की से इस लेटर को हैक किया गया, इनक्रिप्ट किया गया, सॉरी। सही है, इनक्रिप्ट तो कर दिया। अब इनक्रिप्ट कर दिया है, अब उसके बाद उमर मीर के पास, उमर भाई के पास, पापा जी के पास एक तरीके से पब्लिक की फरजाद बाजी की भी मौजूद है, फरुख साहब की भी पब्लिक की मौजूद है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट किया था, इसका ये मतलब है कि ये कभी भी डिक्रिप्ट नहीं हो सकती बाई यूजिंग द सेम पब्लिक की। पब्लिक की से कभी भी डिक्रिप्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इनक्रिप्ट होगी। इस चीज़ को दिमाग में रखो, पब्लिक की से सिर्फ इंक्रिप्शन होती है, डिक्रिप्शन नहीं होती है। जो भी चीज़ पब्लिक की से इंक्रिप्शन होती है, वो उसकी डिक्रिप्शन करने के लिए वी यूज़ द प्राइवेट की ऑफ द सेम पर्सन। जिस पर्सन की पब्लिक की थी उसी बंदे की प्राइवेट की इस्तेमाल करेंगे। अब सपोज करो उमर भाई ने अपने पापा जी, पापा जी ने अपना थोड़ा बहुत जोर लगाया, और जोर लगाने के बाद उन्होंने फरुख साहब से उनकी प्राइवेट की ले ली। अब अगर प्राइवेट की भी ले लेते हैं, इवन देन वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट की किस चीज़ की चाहिए? फरजाद बाजी की चाहिए, और फरजाद बाजी का भी कोई ताल्लुक है नहीं उनसे, पापा जी से। फरजाद देखो एक्सेप्ट कर लिया है उसने, फारूक साहब मोहब्बत एक्सेप्ट हो चुकी है आपकी। हाँ कह दिया मैंने, कबूल है। आप ज़रा चैट पर आओ, एनी प्रॉब्लम विद सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, जल्दी जल्दी। ये कौन कह रहा है शॉर्ट से, मैं लिखवाता हूँ उसको, फिर देख लेना। सर फरजाद ने लेटर एक्सेस कैसे किया? सुनो मैं बताता हूँ, अब इसको हम लिखते ना, फिर समझ आ जाएगी तुम लोगों को। सर निकाह पढ़वाना है प्लीज, माइक ऑन करना। सर सिमेट्रिक यूज नहीं करना चाहिए, उसमें की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आती तो नहीं करना चाहिए। चलो देखो सब एक दफा और लास्ट दफा देख लें, लास्ट नहीं मतलब जब तक समझ नहीं आता। ग्रुप में हो गया। ओ भाई कंट्रोल करो। सुनो चलो सब यहाँ पर आओ, फोकस करो यहाँ पे, ग्रुप बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ। जल्दी सब इधर फोकस करें, सुनो 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 सुनो, गौर से सुनो। जो लेटर था, सब एक चीज आहिस्ता से समझा रहा हूँ, जो लेटर था उसको हम लोगों ने इनक्रिप्ट किया था, फरूख साहब ने इनक्रिप्ट मतलब स्क्रैम्बल किया था बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ फरजाद। फरजाद की जो पब्लिक की थी उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने, नहीं रबी रुक जाओ, फरजाद लेटर फरुख साहब ने इनक्रिप्ट किया था बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ फरजाद।
अब जो जिस बंदे की भी पब्लिक की इस्तेमाल की जाती है, उसी के जो पेयर है प्राइवेट की का, सिर्फ उसी से डिक्रिप्ट होगी, वापस से अनस्क्रैम्बल होगी, सही है? तो अब ये लेटर जो है इनक्रिप्ट किया गया बाय यूजिंग द की ऑफ फरजाद बाजी। अब इस लेटर को उन्होंने सेंड कर दिया, सिर्फ लेटर सेंड किया है, की सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइवेट की ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो अब क्या हुआ, फरजाद बाजी के पास जब लेटर पहुंचा, तो अब वो उसको बाय यूजिंग द प्राइवेट की, अपनी प्राइवेट की से उसको वो डिक्रिप्ट करके समझ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए थे उमर भाई, उमर भाई ने, उमर पापा जी ने लेटर को तो एक्सेस कर लिया था। अब उन्होंने देखा कि भाई पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट किया है, अब उसी की से उन्होंने डिक्रिप्ट करने की कोशिश की, तो वो पॉसिबल नहीं है। बाय यूजिंग द पब्लिक की, जिस पब्लिक की से आप इनक्रिप्ट करते हो, उससे डिक्रिप्ट नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके फारूक साहब से उनकी प्राइवेट की निकलवा ली, फारूक खान की प्राइवेट की निकलवा ली, इवन देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसको डिक्रिप्ट कर पाएं। अनटिल और अनलेस प्राइवेट की फरजाद बाजी की नहीं होगी, उसको डिक्रिप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ कोई मसला अयानुल्ला भाई? बेहतरीन उमर, बेहतरीन। अयान अनस का एक क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक में आपने बोला है पब्लिक की इनक्रिप्ट, फिर उसी बंदे की प्राइवेट की भी इनक्रिप्ट, जब मैंने फजा की से इनक्रिप्ट किया, वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा, कर लेगी, सॉरी सर थोड़ा इंग्लिश सही करें अपनी, कर लेगी, तो मुझे अपनी पब्लिक की सेंड करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अपनी पब्लिक की सेंड करने की ये ज़रूरत है कि अगर फरजाद बाजी अब रिप्लाई करना चाह रही हैं, उनके सर पे भी माँ बाप हैं, तो अब वो तुम्हारी पब्लिक की से एक तरीके से कोई और लेटर जो है उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। जब भी कम्युनिकेशन होती है तो वो दोनों एंड से उसको हम लोगों ने देखना पड़ता है, सही है? हाँ चलो जरा अब लिखने वाले कंटेंट करते हैं जल्दी से, अब आ जाओ वापस। अच्छा अब प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखना है। ओके जी, वी हैव द फर्स्ट वर्ड, अब थोड़े बहुत टर्म्स सीखते हैं। वी हैव द फर्स्ट वर्ड व्हिच इज प्लेन टेक्स्ट। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई प्लेन टेक्स्ट को एक्सप्लेन करो, देन यू आर सपोज टू राइट ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल इनक्रिप्शन दूसरे की पब्लिक किससे होगी? बिल्कुल रमेश, बिल्कुल ऐसी है ओरिजिनल टेक्स्ट। नाउ वी हैव साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट किसे कहते हैं? बिल्कुल ये पासपोर्ट डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब जरा थियोरेटिकल चीजें समझते हैं। नाउ वी हैव साइफर टेक्स्ट व्हिच इज इनक्रिप्टेड वर्जन। नहीं नहीं फिर ज्यादा भी नहीं, पहले कंटेंट खत्म हो गया। इनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर दो, दैट बिकम साइफर टेक्स्ट। सही है जी, यहाँ तक लिखते हैं। इंक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ यहाँ तक लिखो, प्रोसेस ऑफ टर्निंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। सही, यहाँ तक लिखो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ पानी पी के।
चलो जी। अच्छा यहाँ पे साइफर टेक्स्ट लिख देता गलती से। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? इनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को अगर हम इनक्रिप्ट कर दें तो वो बेसिकली साइफर टेक्स्ट कहलाता है। और इनक्रिप्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टर्निंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। और अगर मैं डिक्रिप्शन बोलूँ तो इट्स बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टर्निंग साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। सही है, अभी तक आया नहीं है सवाल, लेकिन बेसिक लॉजिक है यार। चलो अब जरा पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में लिखते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। कि वट इज पब्लिक की? पब्लिक की क्या होती है? की विच इज वाइडली अवेलेबल। वाइडली अवेलेबल मतलब किसी के पास भी एक्सेस होता है। वाइडली अवेलेबल दैट कैन बी यूज्ड टू इनक्रिप्ट रुक जाओ अब्दुल्ला, पहले कंटेंट पे फोकस कर लो। इनक्रिप्ट मैसेजेस, इनक्रिप्ट मैसेजेस दैट कैन बी वाइडली यूज्ड टू इनक्रिप्ट मैसेजेस दैट ओनली ओनर ऑफ द प्राइवेट की कैन डिक्रिप्ट and decrypt. Now let's write about private key. Private key is basically key which is needed to decrypt the data. To decrypt the data that has been encrypted. अच्छा जरा चैट पे आना जरा। That has been encrypted by dash. चैट पे देखो। जल्दी 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 चैट पे जाओ। की नीडेड टू डिक्रिप्ट द डाटा दैट हैज बीन इनक्रिप्टेड बाय पब्लिक की। बेहतरीन। एंड इज यूज्ड इन टू एंड इज यूज्ड इन And is used in asymmetric encryption. And is not shared with anyone. And is not shared. चलो ये हो गया पब्लिक की प्राइवेट की। एक सवाल आता है आप लोगों के यहाँ पे पास पेपर का, लेट्स सी दैट इज वेल। अच्छा आज हम लोग का जो इनिशियल टारगेट है वो है सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ख़त्म करनी है। एंड वी आर सपोज टू डू प्रोटोकॉल्स। इन दो चीज़ें करनी है हर सूरत में आज, कुछ भी हो जाए। नहीं अब्दुल्ला वेट। हाँ सेट है। अभी नहीं अभी नहीं, पहले लिख लो सिमेट्रिक कर लो, फिर उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक। सवाल पास पे का, वॉट लेट मी चेंज दी थिकनेस।
What are the similarities the same लेकिन असल what are the similarities and differences and differences between publicly and private key. देख रहे हैं हेडफोन्स पहन के रखो अब्दुल्ला अच्छा भाई तुम्हारा नहीं बनाया हमने अच्छा चलो जी पहले हम लोग सिमिलैरिटीज के बारे में लिखेंगे ब्रेक मिलेगा हाँ इंक्रिप्शन कर लो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो सिमिलैरिटीज सिमिलैरिटीज कौन कौन सी हैं दे आर बोथ यूज इन दे बोथ यूज्ड इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन दोनों जो है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में इस्तेमाल होते हैं एज अ पेयर ऑफ कीज इज रिक्वायर्ड एज अ पेयर ऑफ कीज इज रिक्वायर्ड अब इसी चीज को एक तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस तो एक सिमिलैरिटी एक ही है विच इज़ बोथ यूज इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है वन इज यूज टू इनक्रिप्ट डेटा एंड द अदर इज यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा बोथ यूजेस हैशिंग एल्गोरिथम ये लास्ट पॉइंट आप लोगों को बाद में समझ आ जाएगा बोथ यूजेस हैशिंग एल्गोरिथम चलो इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं बोथ यूजेस हैशिंग एल्गोरिथम मतलब क्या है कि पब्लिक की और प्राइवेट की आप लोगों की मेटल की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है पहली चीज इस चीज़ को दिमाग में रखो सही है तो अगर रिलेट कर रहे हो दैट डज नॉट मीन कि सेम चीज़ है हैशिंग एल्गोरिथम्स आर बेसिकली मैथमेटिकल मैंने जैद इसलिए समझा रहा था कि जो पॉइंट नंबर 3 है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ये डिफरेंसेस के अंदर है लेकिन इट्स बेसिकली एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट 2 पॉइंट्स उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पॉइंट में डिफरेंस नहीं है बोथ यूज इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन उसको एक्सप्लेन करेंगे एक इंक्रिप्शन में होता है एक डिक्रिप्शन में होता है सही है अब लास्ट पॉइंट विच इज़ अवर फोर्थ पॉइंट इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोथ यूजेस हैशिंग एल्गोरिथम इसका मतलब क्या है हैशिंग एल्गोरिथम्स क्या थे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था वी बेसिकली यूजेस मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होते हैं सही है तो अब आप लोगों की हैशिंग एल्गोरिथम से हम लोग प्राइवेट की और पब्लिक की को बनाते हैं पब्लिक की और प्राइवेट की होती कैसे है बेसिकली सीरीज ऑफ बिट्स 0011 1011 बिल्कुल ऐसी आप लोगों की पब्लिक की और प्राइवेट की होती है सही है हैशिंग एल्गोरिथम से हम लोग उनको क्रिएट करते हैं देखो एट द एंड एक चीज़ दिमाग में रखो कि कीज़ को प्रेडिक्ट करना इज़ नॉट इम्पॉसिबल सही है फॉर एग्जांपल आपके पासवर्ड है मोबाइल का पासवर्ड है इट्स 0101 बिल्कुल मोहम्मद उमेश बिल्कुल वही 0101 आपके मोबाइल का पिन नंबर है अब इस चीज़ को अगर तुम लोग गौर से देखो कि हम इस 0101 को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट वन पॉइंट सही है अगर मैं इसके बहुत सारे नहीं नहीं मेरा नहीं आप टेंशन ना लो ठीक है यार मेरी शक्ल तक देखी नहीं तुम तो लोगों ने पासवर्ड के क्या करोगे सुनो गौर से 0101 एक पर्टिकुलर पासवर्ड है पिन एक पिन है मोबाइल की अब अगर ये पिन है तो अब हम इसके कॉम्बिनेशंस अगर देखें तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई कर करके एट वन पॉइंट हम इस पर्टिकुलर पिन को एक्सेस कर सकते हैं
सही है। तो एक तरीके से एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर भी फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? कि हम लोग एक पैटर्न है, एल्गोरिथम है, उसको हम लोग रिक्रिएट किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा प्रोसेसिंग के अंदर। इजीली कीज जो है प्राइवेट की भी ब्रेक हो सकती है। अच्छा, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है इस्तेमाल करके आप सेफ रहते हो। इवन देन आपका हैकिंग के जो ऑप्शन है वो पॉसिबल होते हैं। अब उसका क्या सोल्यूशन है, एक चीज़ बस दिमाग में रखो, एक पर्टिकुलर की को ब्रेक करने के लिए इम्पॉसिबल नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होता है और प्रोसेसिंग स्पीड आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सही है, क्योंकि आपको हर एक एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, हर एक एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। सही है उमेश आजाद, फिर से सुनो, हैशिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? हैशिंग एल्गोरिथम्स आर बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिनसे हम लोग कीज को जनरेट करते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की को बनाते हैं। सही है। अब जब हमारे पास कीज बन जाती हैं, इसका मतलब ये है कि वो क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एल्गोरिथम्स हैं, हम उसको ईजीली ब्रेक कर सकते हैं। ईजीली नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हमको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, पॉसिबल है उसको ब्रेक करना। उसका सोल्यूशन क्या है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, हम बाद में बात करेंगे। सही है, अभी फिलहाल के लिए इतना दिमाग में रखो कि दोनों हैशिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, बोथ यूजेस हैशिंग एल्गोरिथम। सही है जी। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सिमिलैरिटी के अंदर नहीं आता, इट्स बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट 2 पॉइंट्स। फर्स्ट 2 पॉइंट्स मतलब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की एक्सप्लेनेशन है कि एक इंक्रिप्शन में और एक डिक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है। सही है जी, ये हो गई सिमिलैरिटीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स डिफरेंसेस। थोड़ा स्पीड तेज रखो भाई, अब लिखने का बहुत सारा कॉन्टेंट है भाई। पॉइंट नंबर 2, एज अ पार्ट ऑफ एज अ पेयर ऑफ की इज रिक्वायर्ड। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर एक पेयर की रिक्वायरमेंट होती है ना, एक इंक्रिप्शन के लिए एक डिक्रिप्शन के लिए, उसी की बात हो रही है। सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। अब मैं इनको दो अलग अलग पॉइंट करके लिखूंगा। हाँ, नोट्स मिल जाएंगे। सबसे तो पहला डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, जब भी डिफरेंसेस की बात किया करो ना, तो कंपेयर जरूर किया करो। प्राइवेट की ओनली नोन टू द ओनर, ऑफ द कीपर, द पब्लिक की कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी वन। ये हो गया एक पॉइंट, ये एक डिफरेंस हुआ अभी। लेट मी रिमूव दिस बुलेट पॉइंट। चलो दूसरे की बात करते हैं। व्हेन मैसेजेस आर सेंट टू द ओनर ऑफ पब्लिक की, they are encrypted with the owner's public key, so they can only be decrypted by the owner's private key. Decrypt किससे हो गया? सिर्फ और सिर्फ private key से। जैसे यूजर तक पहुंचने से पहले ही हैक हो जाए तो दूसरा यूजर इनक्रिप्ट कैसे करेगा? पब्लिक की हैक क्यों करेगा यार? पब्लिक की तो आप एक दफ़ा हैक हो गई, दूसरी दफ़ा फिर मंगवा लो, क्या हो गया इब्राहिम? पब्लिक की से कोई फ़ायदा नहीं है ना हैक करने का। जो चीज़ सबके पास मौजूद है उसको हैक करने का क्या फ़ायदा? अब सपोज करो पेपर 1 के लेक्चर्स जो हैं वो ड्राइव पे अपलोड कर दूँ। सही है, इस चीज़ को समझो।
पेपर वन के लेक्चर्स ड्राइव पे अपलोड कर दिए मैंने, और वही लेक्चर्स जो हैं वो तुम लोग अब उसका बिजनेस स्टार्ट कर दो कि भाई ये 3,000 में लेक्चर्स, 3,000 में लेक्चर्स, 3,000 में लेक्चर्स, उसका फ़ायदा नहीं है ना भाई। मैं सेम चीज़ आपको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से देख लो भाई। तो ये वाली बात है, पब्लिक की ऐसी चीज़ है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को हैक करने का। सो दे कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड बाय, अबे यार बहुत ऑफ सीन है यार, ये बहुत ऑफ सीन है मोहम्मद। सो दे कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड बाय ओनर्स प्राइवेट की। ऐसे ये लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ, समझा नहीं रहा। मैसेज डाइजेस्ट, मैंने इसीलिए डाउनलोड का एक्सेस हटा दिया ड्राइव। बेटा हम सब चीज़ों में आप हमसे मत खेलो यार। क्या फायदा स्क्रीन रिकॉर्ड करके, हाँ आप बड़े फायदे चल रहे हैं आप, कर लो भाई मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। मैसेज डाइजेस्ट आर इनक्रिप्टेड द, चलो भाई अब फोकस यहाँ पे, विद द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर। लास्ट पॉइंट को इग्नोर करना है अभी फिलहाल, जब हम मैसेज डाइजेस्ट पढ़ लेंगे फिर आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा, तो वापस भी आके मैं यहाँ पे समझा दूंगा। टू फॉर्म अ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का अलग से हम लोगों ने टॉपिक है हमारा, तो हम उसको बाद में करेंगे। मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड विद विद द पब्लिक की ऑफ द रिसीवर। चलो लास्ट पॉइंट को छोड़ के जरा एक दफा वापस से देखते हैं। वी हैव सम सिमिलैरिटीज एंड वी हैव सम डिफरेंसेस। लेट मी चेंज द कलर यार, दिस वन सो मच बेटर। सही जी, सिमिलैरिटीज हैं, हम लोग के पास डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज में क्या है, दे बोथ आर यूज्ड इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एज अ पेयर ऑफ कीज इज रिक्वायर्ड। पेयर ऑफ कीज किस लिए रिक्वायर्ड होता है, वो पॉइंट थर्ड है, वन इज यूज टू इनक्रिप्ट द डाटा एंड द अदर इज यूज टू डिक्रिप्ट द डाटा। बोथ यूजेस हैशिंग एल्गोरिथम, उनको बनाने के लिए हम लोग हैशिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं। चलो देखते हैं डिफरेंसेस। प्राइवेट की ओनली नोन टू द ओनर ऑफ द की पेयर, जिसका भी की पेयर है ना, जैसे फैजाद बाजी का एक पेयर था, एक उनकी प्राइवेट की थी और एक पब्लिक की थी, तो प्राइवेट की जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैजाद को पता होगी, किसी और को नहीं पता होगी। द पब्लिक की कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी वन, जैसे फारूक भाई ने उन्होंने अपने काम के लिए पब्लिक की उन्होंने ले ली थी। सही जी, वेन मैसेजेस आर सेंट टू द ओनर, ये एक डिफरेंस हो गया। वेन मैसेजेस आर सेंट टू द ओनर ऑफ द पब्लिक की, दे आर इनक्रिप्टेड विद द ओनर्स पब्लिक की, ओनर की पब्लिक की से हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं, ताकि वो बाद में, सो दे कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड, ताकि वो बाद में डिक्रिप्ट हो सकें बाय द ओनर्स प्राइवेट की। सही है जी। डिफरेंस नंबर टू, डिफरेंस नंबर थ्री पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, पढ़ देता हूँ। मैसेज डाइजेस्ट आर इनक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की, प्राइवेट की से हम लोग एक मैसेज डाइजेस्ट उसको इनक्रिप्ट करते हैं, ताकि वो एक सिग्नेचर बन सके। मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की और द रिसीवर, ये पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। सही है जी, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इंक्रिप्शन ख़त्म नहीं होंगे अभी, रुक जाओ अभी हम लोग। वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, लेट मी चेंज द कलर एज वेल। चलो एक्सप्लेन हाउ प्राइवेट की, लेट मी चेंज दिस, explain how private key and public key are used to ensure that Ali Wajid is the only person who receives this email. So yeah, abhi nahi liya bhai, dard ho raha hai mere haath mein, isliye copy kiya. Sawal kya hai, private key aur public key kaise istemal hongi ek agar hum log confidential email ko send kar rahe hain.
अलीबाज कौन है? लास्ट बैच, लास्ट बैच स्टूडेंट्स। सही जी, अब जरा देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, सिनेरियो को समझते हैं। सिनेरियो को पहले समझ लो। वी हैव टू पर्टिकुलर पर्संस। सिनेरियो को समझते हैं। ठीक लेट्स टॉक अबाउट दिस। चलो, ये सिनेरियो बेसिकली हमारा, शुजा भाई जो हैं उनके पास एक ईमेल है और वो जद्दा के ऑफिस में, पीपल्स डॉट के जो ऑफिस है जद्दा के अंदर, उसमें काम करते हैं। और उनको अब ये एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल फाइनेंस से रिलेटेड सेंड करनी है अली वाजिद बाजी को, जो कि पीपल्स डॉक पाकिस्तान की जो ब्रांच है उसमें काम करती हैं। सही है, अब ये ईमेल सेंड करनी है, ईमेल सेंड करनी है। अब सवाल ये है कि प्राइवेट की और पब्लिक की को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अली वाजिद ही उसको रीड कर पाए। सही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब ज़रा लिखते हैं इसके बारे में। बहुत बड़े ताल्लुक आते हैं, आप टेंशन मत लें। आप सब गौर से देखो, शुजाज कंप्यूटर विल से क्वेश्चन दिखा दें, देख लो भाई क्वेश्चन फिर से। सिनेरियो, क्वेश्चन, सब चीजें इसमें। शुजा इज द सेंडर, बिल्कुल शुजा इज द सेंडर, अली वाजिद इज द रिसीवर। सवाल यह है कि प्राइवेट की पब्लिक की जो है वो कैसे हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ अली वाजिद ही उसको रीड कर पाए। सही है जी, सर सेंडर और रिसीवर यूज कर लें यार इस सिनेरियो से। चलो कर देता हूँ, ठीक है। सेंडर्स कंप्यूटर, सही है, इसको सेंडर कहते हैं। सेंडर्स कंप्यूटर विल, अच्छा जो भी नाम दिया हुआ तुम लोगों के सिनेरियो में उसी को इस्तेमाल करना, सेंडर मत लिख देना। सेंडर्स कंप्यूटर विल इनक्रिप्ट द ईमेल। ईमेल को इनक्रिप्ट किया जाएगा किस चीज से, जरा बताना। बिफोर किस चीज से, किस की से, किसकी की से, इस चीज को भी बताओ। विल इनक्रिप्ट द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट बाय रिसीवर्स, बिल्कुल जो कि अली वाजिद की बात हो रही है यहाँ पे, रिसीवर्स पब्लिक की। रिसीवर विल डिक्रिप्ट द ईमेल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय वॉट, बाय यूजिंग वॉट। चैट पे जवाब जल्दी। रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा ईमेल को किस चीज से डिक्रिप्ट करेगा, प्राइवेट की, किसकी प्राइवेट की से, रिसीवर्स की प्राइवेट की से, बाय यूजिंग रिसीवर्स प्राइवेट की। इस इंक्रिप्शन को क्या कहते हैं, चैट पे जवाब। एज द प्राइवेट की, तो शुजा की प्राइवेट की से नहीं, नहीं भाई शुजा की प्राइवेट की से क्यों करेंगे, जो रिसीवर होता है उसी की प्राइवेट, जिस पर्टिकुलर बंदे की पब्लिक की से हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं उसी से उसकी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करते हैं। एज द प्राइवेट की, क्लियर हुआ, एसिमेट्रिक, बेहतरीन। एज द प्राइवेट की इज ओनली नोन, इज ओनली नोन टू रिसीवर, जो रिसीवर की प्राइवेट की है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास मौजूद है, अली वाजिद के पास मौजूद है। ओनली टू रिसीवर, सो ओनली शी, यही जो भी होगा सिनेरियो, सो ओनली शी कैन अंडरस्टैंड। 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क, 1 मार्क पब्लिक की के बारे में, 1 मार्क प्राइवेट की के बारे में, 3रा मार्क बताने के बारे में कि प्राइवेट की जो है वो किसी और के बारे में, किसी और के पास नहीं होगी, दैट्स द रीजन नोन। ठीक है जी, इज ओनली नोन टू रिसीवर्स
रिसीवर से ओनली शी कैन अंडरस्टैंड. चलो बेहतरीन हो गया. हम मिलते हैं. नहीं, नहीं भाई टेंशन नहीं, बस दो सवाल को कर लो दैट्स इट. फिर उसके बाद टेंशन पॉज है फिर आप लोगों का 5 मिनट का, फिर प्रोटोकॉल्स पर आ जाएंगे देन खत्म. नहीं भाई क्या हो गया यार, बस दो सवाल और कर लो पहले जल्दी से. पहला सवाल, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन सबके सेम है, बस मैं तुम लोग को अब दिखाना चाह रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट अभी तक सीखा है वही सेम चीज़ अब हम रिपीट कर रहे हैं तरीके से. एक्सप्लेन हाउ एसिमेट्रिक asymmetric encryption is used to ensure. भाई हम यूनिवर्सिटी से पढ़ते नहीं, पढ़ाते हैं उनको. एक्सप्लेन हाउ योर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज यूज. सर एक सेकेंड फर्स्ट कॉल जाओ. एक्सप्लेन हाउ एसिमेट्रिक इज यूज इंक्रिप्शन इज यूज. सॉरी लेट मी करेक्ट दैट. Asymmetric encryption. Encryption. हाँ उम्र की बिल्कुल ऐसी है. Explain how asymmetric encryption is used to ensure that the message That the message remain private. अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है सवाल को, अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने अल्फाज में लिख देना. बिल्कुल ऐसे ही है, मैं लिख देता हूँ. द सेंडर विल इनक्रिप्ट द मैसेज. सेम क्वेश्चन सेम आंसर. द सेंडर विल इनक्रिप्ट The message. With the receiver's public key the receiver will decrypt the message. Decrypt the message with their private key so the message will remain private. So the message will remain private. लास्ट क्वेश्चन. अच्छा एक चीज दिमाग में बिठा लो, जब भी कोई चीज तुम्हारी क्वेश्चन कोई भी आता है तुम लोगों के पास, तब तुम लोगों ने देखना होता है दो चीजें. सबसे पहले क्वेश्चन देखोगे, उसके मार्क्स देखोगे. क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझ लिया आप लोगों ने, अब क्वेश्चन को देखने के बाद उसके मार्क्स देखो कि भाई मार्क्स जो हैं वो कितने हैं. 2 मार्क है तो ये इतनी वर्किंग काफी है आप लोगों के लिए. देखते हैं इसको. सही है, अगर सिर्फ 2 सवाल 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको यही इतना 2 पॉइंट्स रखने की जरूरत है आप लोगों को, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो उसको आप कैसे लिखोगे. लेट्स सी दैट. एक्सप्लेन हाउ सेम कॉन्सेप्ट लेकिन लंबी वर्किंग, लंबा आंसर. एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ asymmetric. क्या बात है, ठीक है रोजान भाई आप की क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी क्या होती है बात करते हैं इस पर. एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इंश्योर्स दैट ओनली A particular person
पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर पर्सन, और उसको नाम दे देते हैं पर्सन ए कैन रीड द ईमेल। कैन रीड द ईमेल। क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली उन टेक्निक्स को कहते हैं जो कि आप लोगों को सिक्योरिटी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। किसी भी चीज़ इंक्रिप्शन के बारे में बात हो रही तो वो एक तरीके से क्रिप्टोग्राफिक मेथड है, इंक्रिप्शन भी। सही है। इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। यस, अब ये फॉरन ही अपलोड हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू इंक्रिप्शन, फिर उसके बाद वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स प्रोटोकॉल्स। पहले इसको लिख लो। वही सेम चीज़ है, बस इसका थोड़ा लंबा करना है। एसिमेट्रिक की मीन्स एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मीन्स दैट द की यूज्ड टू इनक्रिप्ट। कौन सी की इस्तेमाल होती है इंक्रिप्शन के लिए? चैट पे जाओ जल्दी। इंक्रिप्शन के लिए कौन सी की इस्तेमाल होगी? पब्लिक की ऑफ द रिसीवर। बेहतरीन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ पब्लिक की। दैट द की यूज्ड टू इनक्रिप्ट इज डिफरेंट। पहले हमने बताया कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम द की। डिक्रिप्शन के लिए कौन सी होती है? From the key used to decrypt, बिल्कुल सही। We use the private key of the receiver, जिसकी public key थी उसी की private key की बात हो रही। Point number one हो गया। अब यहाँ पे हम लोग key distribution की बात करेंगे, key exchange की बात करेंगे। Sender will acquire person A public key। सेंडर क्या करेगा? सेंडर बेसिकली पब्लिक की लेगा पर्सन ए की। पर्सन ए को हम लोग ईमेल सेंड करते हैं, पर्सन ए जो हमारा रिसीवर है। Sender will acquire person A's public key. Sender will encrypt email using person A's public key hey, sender will send encrypted email to person A बिल्कुल उमर। Sender will send encrypted email to person A will decrypt email using his private key। सही जी, ये हो गया आप लोगों का asymmetric encryption and symmetric encryption। यहाँ तक का concept था, और ये basically है asymmetric और symmetric। जितने questions हैं इसके हवाले से theoretical वो सारे भी देख लिया हम लोगों ने, उनका concept भी समझ लिया, and we are done with symmetric and asymmetric encryption। okay जी।